बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। चलिए बढ़ते हैं बांदा से एक खबर की ओर। मामला बांदा जनपद के सियोड़ा गांव का है, जहां की निवासी रन्नो देवी आज अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची व जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अपने शिक्षक लड़के पर फर्जी मुकदमा लिखे जाने का मामला बताते हुए मुकदमा बंद कराने की मांग की। पीड़ित रन्नो देवी ने कहा कि मुझे व मेरे परिवार को गांव के खिलावन और उसके परिवार ने मारा पीटा था, जिस पर हमने उनके विरुद्ध मुकदमा लिखाया था। इसके बाद खिलावन ने अपनी लड़कियों को आगे करते हुए मेरे लड़के पर बलात्कार का केस दर्ज कराया है, जो कि गलत है। पीड़िता की बहू मंजू देवी ने कहा कि उसका पति बांदा में शिक्षक है, वो बांदा में ही रहता है। हमारा गाँव के ही राम खिलावन से जमीनी विवाद पर काफी समय से चल रहा है। खिलावन ने गांव के घर में घुसकर सबको मारा पीटा था, जिसके बाद हमने एक महीने पहले गिरवा थाने में मारपीट का केस दर्ज कराया था, जिसमें आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही राम खिलावन ने अपनी लड़कियों को आगे करते हुए उसके शिक्षक पति सहित तीन लोगों पर बलात्कार का केस दर्ज कराया है। ये केस साजिशन दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी से मांग करी कि इस केस की जांच करते हुए केस को बंद किया जाए। बांदा से राजीव द्विवेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपको? मेरा नाम मंजू सेठी है। कहाँ से आए हैं? हम बांदा से हैं। आज कहाँ हैं? आज हम डीएम साहब के आए हैं। क्या मामला है तुम्हारा? ये हमारा गांव का मामला है, हमारे सास ससुर का। वही जो गांव के खिलावन यादव हैं, हमारे सास ससुर को रोज परेशान करते हैं, कभी मार कुटाई करते हैं, कभी गाली देते हैं, कभी घर का सामान उठा उठा के फेंकते हैं, कभी घर के अंदर राख फेंक देते हैं। रोज दंगा फसाद बना रहता है हमारे गांव में, और हम कभी बांदा नहीं जाते हैं, ना हमारा पति कभी जाता है, ना हमारे बच्चे कभी जाते हैं। हम 20 साल से हम यहीं पर रह रहे हैं, और हमें रोज परेशान करते हैं, हमारे कुटाई रोज करते हैं। और क्या उच्च अधिकारियों से आपने कुछ बताया? हाँ बताया। क्या होता है, क्या करते हैं? अप्लीकेशन से जाने कितने सारी अप्लीकेशन ली, और सब कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और FIR भी कराया है। पुलिस का क्या रोल है? पुलिस हमारे घर में रोज आ जाती है, धमकी देती है, हमें परेशान करती है, हमारे बच्चे घर में अकेले रहते हैं, 2 बजे रात में घुस जाती है, दरवाजा खटखटाती है, गेट नहीं खोलते हैं तो कहते हैं कि कूदने की कोशिश करती है। हमारे बच्चों के, हमारे बराबर के बच्चे हैं, मतलब एक मास्टर अपने जिसके बराबर की लड़कियां हों तो वो गलत कैसे कर सकता है। झूठा केस किया गया है, हमारे घर में घुस जाती है, हमारे बच्चों के ऊपर टॉर्च लगाती है, घर का सामान देखती है, चारपाई के नीचे देखती है, कहीं बेड के नीचे देखती है, हमें परेशान करती है। अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो हम डंडा मार मार के तुम लोग को शुद्ध कर देंगे, हेल्पलाइन में वो मंगाएंगे। क्या नाम है आपका? रन्नू। कहाँ रहती हैं आप? आज कहाँ आई हैं? आज बांदा। किसके पास? डीएम के पास। कहे के लिए क्या मामला है तुम्हारा? 3-4 बार मारा है, और जमीन में जबरदस्ती कब्जा कर लिया। कौन है ये लोग? यादव खिलावन। क्या आपको इनमें से नेता है क्या? नेता हाँ, नेता लगे हैं। क्या नाम है उनको जिनकी संरक्षण मिलती है? बीज किशोर, एक का गंगा सागर, गंगा सागर उससे जुड़ा है, का नाम उनका। किस तरीके की धमकी देते हैं आपको? हमको धमकी देते हैं कि घर खाली कर दो, नहीं मार कर डाल देंगे। मतलब जान मार की धमकी देते हैं? 28 तारीख को कुल्हाड़ी मार दिया साहब मेरे। तुम्हारे कहाँ पे कुल्हाड़ी मारा था? और खून की भरी फोटो मेरे पास है। कहाँ इलाज करवाया है? जिला अस्पताल में। ये कोई उच्च अधिकारियों को बताया है आपने? बस चौकी लेके आए मेरे पति, फिर चौकी से थाने आए, थाने से यहाँ जिला अस्पताल लेके आए, यहाँ से इलाज करके फिर चले गए फिर थाने। क्या उन लोगों की धड़ा पकड़ी हुई है जो मारा है? कुछ नहीं, एक दिन का पकड़ा गया खिलावन, बस छोड़ दिया। किसके संरक्षण में छोड़ गया? कोई नेता कहा था? नहीं जान सकते साहब, मैं बांदा में पड़ी थी। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जमीन छोड़ के चले जाएं, हमसे घर खाली जाते। और उसमें आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरे बच्चन की बचत हो, और जमीन ऐसे हमारा घर कैसे दे सकते हैं। दादा क्या नाम है तुम्हारा? मुन्नू। कहाँ रहते हैं? आज कहाँ हैं? आज बांदा आए साहब। साहब कौन साहब के पास? डीएम साहब। क्या मामला है तुम्हारा? साहब हमारे ऊपर भाई जाती है, हमारे जमीन
जबरन कम जगह से कहा थे घर खाली कर दो भाग जाओ। क्या नाम है उस शहर का? वो खिलावन। खिलावन क्या उन्हीं की सरकार है इसलिए दमंगई कर रहे हैं क्या? खिलावन और हाँ साहब बहुत सतावत है हमारे। आपको सता रहे हैं? किस तरीके का आपको ताड़ना कर रहे हैं? कहे खातिर मार थी? तब हमारी जमीन ले जाए खाते घर खाली कर। जमीन तुम्हारे नाम है कि आबादी की है? आबादी क्या जमीन है हमारे पास, उसमें हमारा मकान बन रहा था। नजुल की तो नहीं है? हाँ पूरे गांव में ही दान जमीन है। जमीन नजुल की है कि तुम्हारी भूमधरी है? भूमधरी नहीं है, आबादी नहीं है, मकान हमारा बना। मकान तुम्हारे कब से बने थे वहाँ? हमारा जंगम बने 30 साल। 30 साल से आप वहाँ रह रहे हैं? कब से निकाल दिया है तुमको? कम से कम होंगे 2 साल। 2 साल से आप बाहर भटक रहे हैं? हाँ हाँ। आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? बच्चे हमारे बाना में रहते हैं। किराया से? नहीं मकान है यहाँ।